आज मैं आप लोगों के लिए नेट वाली हिजाब कैप लाई हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने प्लेन कपड़े में भी बनाया था इसी तरह की हिजाब, तो आज मैं आप लोगों के लिए नेट के साथ बनाकर दिखाई हूँ। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। देखिए, ये बहुत आसान है फ्रेंड्स बनाना, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाते कैसे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हाफ मीटर में फैब्रिक लिया है और ये हाफ मीटर लेस है हमारी, ठीक है। तो ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है, आप हाफ मीटर में ले सकते हैं। ओके, तो ये मैंने जो लेस लिया है ये हाफ मीटर की है, ये 20 रुपीज़ में मुझे मिली थी, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं लेस अपने मुताबिक। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें काटेंगे लेस में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कितना ले रही हूँ, यहाँ से मैं 8 इंच में निशान लगाऊंगी। हमें उतनी ही लेस चाहिए, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं 8 इंच पे यहाँ पर निशान लगाकर इसको काट देती हूँ अभी। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बाकी हमारी बची हुई लेस है, ठीक है। तो अब हम इसमें फैब्रिक में काटेंगे अभी। ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था फ्रेंड्स, ठीक है, बटर क्रेप फैब्रिक लिया है मैंने, आप कोई भी ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से जितनी हमारी लेस है उतनी लेंथ में हम इसको निशान लगाकर काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं निशान लगा देती हूँ, ये देखिए यहाँ से। अब इसकी जो चौड़ाई है मैं 3 इंच रख रही हूँ, ये डबल में है फ्रेंड्स फैब्रिक, ठीक है। तो ये खुलने के बाद 6 इंच का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको काट लेते हैं यहाँ से, ये देखिए। अब ये हमारे लेस के जो ऊपर है इसमें हम अटैच कर देंगे इसको यहाँ से, ठीक है, जो हमारा फोल्ड है वहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद जो बाकी का प्रोसेस है हम इसको इस फैब्रिक में से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अटैच कर देते हैं, फिर बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा फोल्ड जहाँ से है वहाँ से हमें लेस को अटैच करना है। ओके, जो ओपन वाला साइड है वो हमें ऐसे ही रखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरह से रख देती हूँ और इसको दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ। एक स्टिच कर देंगे इस पर तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। आपको स्टिच करना भी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ओके, वीडियो को एंड तक देखें फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। ये देखिए, ये ज्वाइन हो चुका है अभी हमारा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको एक स्टिच कर देते हैं तो ये भी दोनों हमारा अटैच हो जाएगा। ये देखिए, अब ये हमारा अटैच हो चुका है, ठीक है। अब इसकी जो साइड में हमें लगाना है बेल्ट, उसको काटते हैं अभी, ठीक है। चलिए दिखाती हूँ मैं। देखिए, ये मैंने आयरन कर दिया है इसको अच्छे से, तो ये फिक्स हो गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें साइड के लिए काटना है अभी, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, ये डबल फोल्ड कर रही हूँ मैं। ये जितनी हमारा लेस और फैब्रिक है इतना ही हमें काट कर लेना है इसमें। ये देखिए, मैं यहाँ पर निशान लगा देती हूँ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। ये देखिए, इतना ही मैंने चौड़ाई में लिया है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको शेप देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये डबल है, कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमने डबल लिया है, तो जो हमारा फोल्ड है वहाँ से हमारी लेस आएगी, ठीक है। शेप भी हमें वहीं से देना है। तो ये मैं देखिए 20 इंच पे लगा रही हूँ इस तरह से यहाँ से, और इसको बाकी का जो है वो काट के हटा देते हैं, हमें इतना ही हमें चाहिए। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसमें शेप देना है। अब इसको हटा देते हैं लेस को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं, ये देखिए, यहाँ से मैं 2.5 इंच का एक निशान लगा रही हूँ, 2.5 इंच का, और यहाँ से मैं 8 इंच पे लगा रही हूँ। ओके, तो इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं शेप देने के लिए। यहाँ से देखिए, मैं हाथ से देकर बताती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप फ्रेंच कर्व से भी इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम आर्म होल में निशान लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसमें निशान लगाया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसको शेप में काट देते हैं। ओके,
ये देखिए अब ये हमारा कट चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम इसी को रख के दूसरा पीस निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें टू पीस चाहिए इसको। ये देखिए इसमें से हम, ये देखिए मैंने दो पीस निकाल लिया है इस तरह से। अब इसको लगाना दिखा देती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम इसको खोल देंगे यहाँ से, इस तरह से फोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए। अब इसको यहाँ से खोल देते हैं ऐसे, ये देखिए जो हमारा फोल्ड है वहाँ से हमें लेस रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं रख रही हूँ। अब यहाँ से हमें हाफ इंच पे सिलाई लगाना है, ठीक है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैं सिलाई लगा कर आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ से ये देखिए इसको हम ज्वाइन कर देते हैं दोनों को, ये देखिए ऐसे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अंदर डाल देते हैं इसके यहाँ से। अब इसकी जो बेल्ट है उसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमें हाफ इंच की सिलाई लगाते हुए यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है। देखते रहिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर करूँगी। ये देखिए ये हमने अटैच कर दिया है इसमें दोनों को, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हमारा ओपन है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो बेल्ट है इसको भी हम बाहर निकाल देंगे, ओके। ये देखिए इसको हम अच्छे से पिन से बाहर निकालेंगे, बाद में इसको आयरन कर देंगे अच्छे से, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है इसको लगाना दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले हम इसको खोल देंगे यहाँ से, ये देखिए फिर से बता रही हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से जो लेस वाला पार्ट है वो हमें सेंटर में रखना है इसके, और इस तरह से हमें यहाँ से सिलाई लगा देना है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको सिलाई लगा देंगे अभी, तो ये यहाँ से अटैच हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम अंदर डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये जो बाकी का है ये इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। देखिए जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ इसमें, हमें देखना है फ्रेंड्स अंदर वाला सिलाई में ना आ जाए, ठीक है। अंदर को ढकेलते हुए इसको हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए दूसरा वाला बेल्ट जो है वो भी रेडी हो चुका है हमारा। तो यहाँ से ओपन है हमारा, इसको हम बाहर निकाल देंगे इस तरह से। इसको अच्छे से आयरन करेंगे फ्रेंड्स, तो ये अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब ये रेडी हो चुका है, तो इसको मैं आयरन करके सेट कर देती हूँ, उसके बाद आगे का आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। इसको पिन से निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स कोने को हमारे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसको आयरन करके पानी के साथ अच्छे से इसको सेट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसका पीछे का जो पार्ट है वो निकालेंगे। ये देखिए ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है, ओके। तो इसको यहाँ से डबल फोल्ड कर देते हैं, देखिए ये डबल फोल्ड है। अब ये जो हमने सिले हैं इसको यहाँ से रख देंगे, ये एकदम परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। हमें इतना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे लगा रही हूँ, ठीक है। इसको इस तरह से डबल कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। तो ये 8 इंच की चौड़ाई हो गई इसकी, ठीक है। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो ये देखिए मैं यहाँ से इसको काट देती हूँ अभी, इसको मैं खोल कर दिखाऊँगी आप लोगों को फ्रेंड्स, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये 8 इंच की चौड़ाई है इसकी, ठीक है। और बाकी जो लेंथ है हमारी, जितनी हमारी लेस की लेंथ ही उतनी है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से मैं इसको शेप दे देती हूँ ऐसे राउंड में। ये देखिए यहाँ से ये अब हमारा राउंड हो चुका है। इसको 2 पीस कर देते हैं अभी, हमें सिलाई छुपाना है फ्रेंड्स, इसमें कोई कचरा दिखाई नहीं देना चाहिए, ओके। तो यहाँ से सेंटर लगा देते हैं, एक नोच लगा देते हैं, इसमें भी एक सेंटर करके एक नोच लगा देते हैं ऐसे। ये देखिए अब इसको अटैच करना बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले एक पीस को हम लेंगे ऐसे, इस तरह से, देखिए यहाँ पर एक निशान लगा देती हूँ मैं, ये सेंटर है हमारा। देखिए यहाँ पर भी हमने नोच लगाई, ये सेंटर है हमारा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं इस तरह से निशान लगा कर दिखा देती हूँ। तीनों का सेंटर हमें मिलाना है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इन तीनों को हमें पकड़ते हुए इसमें राउंड में सिलाई लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है।
ये तीनों हमारे सिलाई में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको स्टिच करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके, देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम सेंटर से शुरू करेंगे सिलना, यहाँ से जहाँ से हमने पिन लगाए थे, यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको सबसे पहले एक साइड से सिलाई लगा देंगे, यहाँ से। देखिए इस तरह से हमें तीनों को एक साथ रखना है, तीनों पे हमारी सिलाई आनी चाहिए। देखिए नीचे वाला भी हमने पकड़ना है और ये जो बीच वाला है इसको भी हमें इस तरह से रखना है। ठीक है, इस तरह से तीनों पे हमारी सिलाई आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए सेंटर से हमने एक साइड पे सिलाई लगा रहे हैं हम, फिर जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, आपको स्टिच करके बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स। ओके, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने एक साइड का सिल दिया है सेंटर से यहाँ तक। ठीक है, देखिए तीनों मैंने इस तरह से सिलाई में लिया है। अब फिर से हम सेंटर से शुरू करेंगे, दूसरी तरफ सिल देंगे। ठीक है, ये देखिए इसको भी हम इसी तरह से रखते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। ओके, ये देखिए इस तरह से। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा कि मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊं। वैसे भी आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे दुआ भी देते हैं। ये देखिए अब हमने दूसरी साइड पे भी इस तरह से सिलाई लगा दिया है ऐसे। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स ये कैसे दिखाई देगा, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, देखिए हमने राउंड में इस तरह से सिलाई लगाए हैं। अब यहाँ से हम कट लगा देते हैं, सब में सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। ये देखिए पूरे में मैंने कट लगा रही हूँ मैं इसमें। तो अब इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे। ये देखिए अब ये हमारा सीधा हो चुका है। ठीक है, तो ये कैप हमारी बिल्कुल रेडी है अभी। अब इसमें हमें इलास्टिक लगाना है, तो देखिए मैं इलास्टिक कैसे लगाती हूँ इसमें। ये देखिए ये एक्स्ट्रा हमारा होता ही है फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसको बिल्कुल परफेक्ट में लेते हैं जितनी हमारी लेस होती है। ओके, तो ये देखिए एक्स्ट्रा हो गया ये हमारा, यहाँ से थोड़ा सा लेवल में कर देते हैं काट के यहाँ से। तो इसको हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं तो ये दोनों हमारे एक साथ जुड़ जाएंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ से फोल्ड करूँगी, यहाँ से देखिए आधा इंच पर फोल्ड किया है मैंने यहाँ पर, और इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा ओपन रहेगा, देखिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हमें सिलाई लगाना है अभी, इसको पक्का करते हुए सिलाई लगाना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, अब यहाँ पर भी हम इसको पक्का कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए सिलाई लग चुकी है अब हमारी। ये देखिए अब हमें इसमें इलास्टिक डालना है। देखिए यहाँ से ओपन है हमारा, ठीक है दोनों तरफ से। देखिए इलास्टिक कितनी लेना है अभी, ये जितनी लेंथ है इसकी इतनी इलास्टिक लेंगे। सबसे पहले हम इसको हम आधा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये देखिए अब इसको रख देते हैं। अब इसमें हम पिन से इसको, ये देखिए इस तरह से पिन में डालेंगे, तो इसके इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं इस तरह से। ध्यान रखना है हमें इलास्टिक अंदर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए पिन हमारी बाहर आ गई है इस तरह से। इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी और यहाँ पर इसको पक्का कर देते हैं सबसे पहले, वरना ये अंदर चली जाएगी हमारी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से इसको पक्का कर देती हूँ एक सिलाई लगा कर। ये देखिए यहाँ से ये पक्का हो गया है। अब पिन इसको पिन में से हम निकाल देंगे यहाँ से, और यहाँ पर भी इसको इस तरह से पक्का कर देंगे। ठीक है, ये देखिए दोनों तरफ से हमारी ये अटैच हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स अब ये कैप जो है हमारा ये रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।